अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है समा और आप देख रहे हैं समा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और ट्रेंडिंग इमोजी वीडियो स्टेटस। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, अगर कि आप ही चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सा इमोजी विद नेम वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सा दो किस्म के डेमो दिखाए, एक के ऊपर मैंने इमोजी यूज की और दूसरे के ऊपर जो सा ब्लैक स्क्रीन यूज किया है। तो यहाँ पे आपने आपकी मर्जी की आप इसको किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मटेरियल यूज किए उन सभी के जो सा लिंक होगी वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो सी इनशॉट एप्लीकेशन है वो इस ओपन कर लेनी, तो इसका भी जो सा लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो सी वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो सा न्यू वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद किसी आपने जो सी यहाँ पे एक फोटो जो सी वो किसी आपने ऐड कर लेना, तो यहाँ पे कि जो मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी आपको यहाँ पे एक कोने पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद किसी आपने यहाँ पे जो सा 9.16 स्क्रीन है वो किसी आपने चूज कर लेनी है। वैसे कि आपकी मर्जी कि आप यहाँ पे कौन सी जो सी स्क्रीन है वो चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से कि जो सा मैं इसको कुछ तरीके से जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कुछ तरीके का इंटरफेस आ गया। ओके के ऊपर कहीं आपने क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इस इमेज की लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपके एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्पीड का, तो गाइस आपने इसको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद गाइस आपने यहाँ पे जो सा है तकरीबन कोई 12-13 सेकंड के करीब लिख लेना है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ 13 लिख लेता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से भी किसी ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसकी गई जो सी ड्यूरेशन होगी इस इमेज की वो गई 13 सेकंड हो जाएगी। अब गाइस आपने यहाँ पे जो सा फिल्टर ऐड करना है, तो फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने जो सा एक फिल्टर यूज़ कर लेना है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो मैं ब्राइटनेस वाला जो सा फिल्टर है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सा इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ग्लिटिज का, तो आपने इसके ऊपर जो सा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक सबसे बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। तो आपने अपने हिसाब से जो सबसे छोटे वाला यूज़ कर लेना है या आपकी मर्जी। तो यहाँ पे जो मैं सबसे छोटे वाला जो सा इफेक्ट है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसको ज़्यादा जो सा गहरा कर सकते हैं यानी कि ब्राइटनेस, इसको आप इसकी जो कंट्रास्ट से वो आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं इसको 10 रहने दूंगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो मैं इस वीडियो को सेव कर लूँगा, सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसमें सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने जो क्वालिटी चूज़ कर लेनी है, तो यहाँ पे जो मैं क्वालिटी चूज़ कर लेता हूँ और सेव यहाँ पे होने लग जाएगी आपकी वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये गाइस फुल हो जाएगी उसके बाद कि आपने जो अपना काइन मास्टर है वो ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद कि आपने जो 9.16 की गई जो स्क्रीन है वो आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद कि आपने जो इन शॉर्ट एप्लीकेशन से वीडियो एक्सपोर्ट की होगी वो कि आपने मीडिया प्रोड्यूसर के ऊपर जाकर यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो किस वीडियो जो मैंने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, अब किस आपने यहाँ से एडिटिंग को गौर से समझ लेना है। यहाँ पे किस आपने इस वीडियो वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लिप ग्राफिक्स का, तो किस आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस मैं आपको एक क्लिप ग्राफिक्स दिखा देता हूँ जो कि आपको अपनी वीडियो के ऊपर ऐड करनी है, जिससे किस ये होगा कि आपकी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे किस आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कैम मोशन का, तो ये किस आपने जो गेट मोर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से जो मैं कैम मोशन वाला जो इफेक्ट है इसको किस ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो 6 किस्म के जो इफेक्ट हो गए वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ से आपने जो रोटेट वाला जो ऑप्शन है यानी कि रोटेशन 1 और 2, तो यहाँ से आपने 1 वाला चूज कर लेना है और ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने यहाँ पे जो सा एक इफेक्ट यूज़ करना है, तो ब्लैक स्क्रीन का एक इफेक्ट है, तो लेयर और मिडी जाके यहाँ पे जो सा एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस ब्लैक स्क्रीन वीडियो जो सा किस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको जो सा कि मैं कुछ तरीके से रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद इसको जो सा कि आपने फुल स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लेना, जिस तरीके से किस मैं ये ऐड करूँ उसी तरीके से किसी आपने ऐड कर लेना है, कुछ तरीके से किसी आपने ऐड कर लेना, जिससे किस ये होगा आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे किस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से किस जो सा आपने इसको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉर्डर टाइप जो सी गई यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब किसी आपने यहाँ पे जो सा एक टेक्स्ट लिख लेना है मूड वाला, तो यहाँ पे किस लेयर में मिटी जाके यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो सी इमेज यहाँ पे ऐड कर ली है, एक मूड टेक्स्ट जहाँ पे किसी लिखा हुआ है मूड, नीचे लिखा हुआ है फील माई लव,
तो इस तरीके से कैसे आपने एक जो सा टेक्स्ट है वो कैसे आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसका भी कई जो सा लिंक होगा वो किस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से साइज जो सा इसका थोड़ा सा बढ़ा के इसको जो सा बिल्कुल मीडियम के अंदर ऐड कर दूंगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी जो सी ड्यूरेशन है वो किस मैं फुल एंड तक ले जाऊंगा कुछ तरीके से। अब जैसे आपने यहाँ पे एक इमोजी वाली जो सी ब्लैक स्क्रीन वीडियो है वो किस आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो इस ब्लैक स्क्रीन इमोजी वाली जो कि इस वीडियो है वो इस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो कि आजकल टिकटॉक और व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रेंड के ऊपर जा रही है। अब इस आपने यहाँ पे जाना है बर्निंग वाले मोड के ऊपर और यहाँ से किस आपने जो है इसको लाइटिंग कर देना। यहाँ पे किस मैं आपको दिखा देता हूँ लाइटिंग, यहाँ पे किस आप देख सकते हैं लाइटिंग हो चुकी है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस आपने इस इमोजी का जो सा साइज है वो किस आपने बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इसको किस आपने जो सा नीचे की तरफ ऐड कर लेना है कुछ तरीके से बिल्कुल मीडियम के अंदर किस आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब किस आपको यहाँ पे जो सी एक ऑडियो बीट की ज़रूरत है, तो लेयर मिल जाके यहाँ पे जो सी एक ब्लैक स्क्रीन ऑडियो बीट है वो किस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस ऑडियो बीट जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी इसका साइज जो किस मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद यहाँ पे किस मैं जाऊँगा ब्लेंडिंग वाले मोड के ऊपर और उसको जो सा किस मैं यहाँ से स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद जो सा मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे किस जो सा मैंने इसको कुछ तरीके से ऐड कर दिया, यहाँ पे किस आप देख सकते हैं। ऐड करने के बाद किस आपने ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद जितना भी किस एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको किस आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद अब किस आपको यहाँ पे यूज़ करना है अपना नेम, तो यहाँ पे किस आपको जाना होगा लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो उसमें अपना नेम है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे किस लिख लेता हूँ सामा और आगे किस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजपूत। उसके बाद किस आपने यहाँ पे जो है एक इमोजी यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे किस आपने अपनी पसंद का कोई सा भी इमोजी जो है वो किस आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे किसी उसमें एक ये वाला इमोजी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे किसी एक ये वाला इमोजी यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद गई अब यहाँ से थोड़ा बैक कर दूँ ताकि साथ हो जाए। तो ओके के ऊपर गई आपने क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी आपको जाना होगा फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे किसी आपने जो सा एक सिंपल सा जो सा फाउंड है वो किसी आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे किसी उसमें ये वाला ऐड कर लेता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको जो सा किसी मैं नीचे की तरफ मूव कर लूँगा कुछ तरीके से। ऐड करने के बाद किस आपने अपने नए वाले लोगो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस आपको जाना होगा ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पे किस मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ जो किस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे किस आपने ये वाला जो सा एनिमेशन है ये किस आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद किस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किस मैं आपको ये जो सी वीडियो है वो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से किस जो सी स्क्रीन है वो मैं भरी कर लेता हूँ और ऑडियो जो सी किस मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी है। तो प्ले करके किस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे किस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का गाइस आपके सामने जो सा इंटरफेस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।